जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाय MD थीवर पर। सो फाइनली आज है 14 जनवरी और 21 जनवरी को सभी जितने भी डीएलएड एस्पिरेंट है, ठीक है, डीएलएड हो या बीएड हो, जितने भी एस्पिरेंट है उन सारे का 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो फाइनली अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ 6 दिनों का वक्त बचा हुआ है। तो फाइनली इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि इन 6 दिनों में क्या पढ़ने चाहिए और क्या नहीं पढ़ने चाहिए। जो मुझे मेरे जो भैया लोग हैं, ठीक है, जो मेरे से बड़े हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो जो मुझे सजेस्ट करता है वो सारी चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फाइनली वो जो हमको समझाए वो आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो पहला, आपके पास कोई भी बुक हो सीटेट का, चाहे वो अरिहंत का हो, हिमांशी मैम का हो या सचिन एकेडमी का हो, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, या हो सकता है अजय माला का बुक होंगे आपके पास, तो सिर्फ उसी को पढ़िए। उसके अलावा और कुछ अलग से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए इन 6 दिनों के अलावा। और हाँ, अगर आप सोचना चाहते, सबसे पहली बात, उसको पढ़ने के साथ साथ आगे का पढ़ने के लिए बंद कर दीजिए। मतलब ये नहीं कि पूरा बुक पढ़ना आपको बंद करना है, मतलब जितना आपने अलग पढ़ लिया उन सारी चीज़ों को अब रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। एक्स्ट्रा अलग से कोई एडिशनल बुक से पढ़ूँ ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे जो पढ़ोगे पीछे का आगे पार्ट, पीछे सा पार्ट, ऐसे वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ आपको एक काम करना है, क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। उसके साथ साथ और आपको क्या करना है, आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इन 6 दिनों के दौरान आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हो आप, मार्केट में जा करके कोई भी मॉक टेस्ट का मिल जाएगा आपको, बुक वगैरह मिल जाएगा छोटा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन होगा, वो सारी चीज़ मिल जाते हैं, हमने भी लाए हैं, वो भी पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट मतलब क्वेश्चनों का ढेर होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको दो फायदे होंगे। पहले फ़ायदा ये, जो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जो पैनिक होते हो, अर्थात घबरा कर जो क्वेश्चन आपको पता होते हैं वो भी गलत करके आ जाते हो, तो उस सिचुएशन का आपका पता चलेगा। दूसरी बात, आपकी कमजोरियों का पता चलेगा, मतलब ये कि आप कौन से जगह में नर्वस होते हैं, कौन सी जगह आपकी कमजोरी है, ठीक है, वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो एक आपको मॉक टेस्ट देना मस्ट है, ठीक है। मार्केट में जा कर के कोई भी अनसॉल्ट ले सकते हो जिससे आपका मॉक टेस्ट हो सके। और उसके अलावा आपने सिलेबस तो पूरे के पूरे देख चुके होंगे, जिस सिलेबस से, मतलब जैसे देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, गणित, ऐसा करके, है ना। उसके अलावा एक है बाल विकास, पैडागोजी, तो मुश्किल से 3 सब्जेक्ट आप ऐसा लीजिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़, हो सकता है हिंदी हो सकता है इंग्लिश हो सकता है बाल विकास, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए भैया, जो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ हो, क्योंकि आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स गेन करने हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मार्क्स। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो होने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी प्लस पॉइंट ये है आपके लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पहले ऑनलाइन होता था तो एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सॉल्व करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको ऑफलाइन पेपर देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन ऐसा है कि आप चाहो तो 100वें क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो, चाहो तो 50वें से शुरू कर सकते हो, जो आपको सरल लगे वहाँ से शुरू बढ़िया करना, और जो सबसे पहला सरल लगे उस पर टिक मारते जाओ, लास्ट में फिर वैसे भी तुक्का तो मारोगे ही, हमको पता ही है, ठीक है। तो आप भी अच्छे से तैयार कीजिए भैया, युद्ध के लिए निकल रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने हथियार गर्म रखिए, ठीक है। और आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, जाना विजय पताका लहरा करके आना, और पास होना ही है भैया, किसी भी हाल में आपको निकालना ही है इस एग्ज़ाम को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यार बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि यार वैकेंसीज़ बहुत सारी जो है वो शिक्षक भर्ती की वो पेंडिंग में है, 57,000, तो आप तो सुने ही होंगे, तो उसके लिए बिल्कुल ज़रा सभी को ताही मत बरकना भैया, ठीक है, अच्छे से दिलाना और जा कर के दिलाना। हम भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी करो, कहीं कोई चूक ना रह जाए, इसलिए इस एक हफ्ता बचा है, एक हफ्ते में बढ़िया सा आप क्विक रिविज़न मारिए, जितना से जितना ज़्यादा हो सके रिविज़न कीजिए। और आप लोग रिवीजन कर रहे हो या नहीं बिल्कुल एक बार कमेंट करके हमको भी बताइए भैया, हमें आपकी कमेंट से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, चलिए। और एक बात और, जो लोग डीएलएड या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो और सीटेट के एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दिला पा रहे हो, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ उनके लिए भी सीजीटेट का भी जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है भैया, तो उसकी तैयारी भी बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए। और इसलिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि देखिए भैया, आपका इस साल 2024 में वैकेंसीज आएगा ही आएगा, टीचर जो भर्ती है ना उसका आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सीजीटेट या सीटेट क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना आपका कोर्स करने का, डिप्लोमा या डिग्री रखने का कोई मतलब नहीं हो गया। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीटेट या सीजीटेट बिल्कुल क्लियर करके रखिए। और हाँ, एक बात, जितना पढ़ चुके हैं उतना ही इनफ रखो, और एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सिर्फ जितना पहले जितना सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसी का सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और सिर्फ रिवीजन,
ठीक है। और ये सारी बातें हमको हमारे भैया ने बताया, भैया कि ये सारी चीज़ किसी को मत बताना बोल के, लेकिन हमें बता देते हैं, क्योंकि देखिए भाई दूसरों का भला करने से हमारा भी भला होता है, हम सिर्फ यही सोचते हैं। क्योंकि हमको भी बोले थे कि आप एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ रिविज़न करना है, तो बोला ठीक है। हमने भी सोचा कि एक आध वीडियोज़ बना करके आपको भी कुछ बता दें कि जो हमको बताया वो आपको भी पता चले। चलिए हमारे तरफ से जितने भी डीएलएड बीएड एस्पिरेंट होंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम दिला रहे होंगे उन सारे लोगों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, विजय पताका लहरा करके आना और युद्ध जीत कर ही आना है आप सभी को, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को सिर्फ दबा देना, ठीक है। चलिए जाइए पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले, चलिए जा करके पढ़िए आप सभी।